चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे करने को, उसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं कैसे रहेगा। हालांकि मैं मान के चलूँ तो इसके अंदर एक क्लास में संडे या मंडे ऑर्गेनाइज करूँगा इस चैप्टर का। बस ये चैप्टर ख़त्म है ऑलमोस्ट। टोटल 11 क्वेश्चन 10 ईयर में हैं, जिसमें से मैं सारे क्वेश्चन को आज डिस्कस कर लूंगा कि किसके क्या पॉइंट है। और ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इसके अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट आ गया सिर्फ इसलिए, बाकी सारा आपको पता है। ठीक है, चलिए सर मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ फटाफट से फॉर्मेट बनाइए जल्दी जल्दी एकदम। टेन ईयर में आगे पीछे होगा नंबरिंग, मैंने सब नंबर चेंज कर दिया था नए में। मेरे टेन ईयर के नंबर जो मेरे सामने, ये नंबर टेन ईयर में बिल्कुल मैच ना करें, आप सभी आगे पीछे हो सकता है। एक बार हम पहले क्वेश्चंस पूरा एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक है ना। पढ़ने का क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, नौ नंबर यहां भले ही आपको दिख रहा है बट आप ऐसा ना सोचे कि ये हमारे टेन ईयर के नौ होगा। कई बार आगे पीछे करते हुए जो टेन ईयर के अंदर प्रिंट होके क्वेश्चन आया होगा वो आगे पीछे हो सकता है। हाँ, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सर क्या कहता है ये, कहता है मेघा लिमिटेड है रजिस्टर्ड विद द नॉमिनल कैपिटल। अब ये नॉमिनल कैपिटल का मतलब पता है क्या है, यह है ऑथराइज कैपिटल, यानी अब शेयर कैपिटल का बनेगा पक्का भाई। द ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है, बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक। अब यहां पे परचेज दे रखा है एडजस्टेड, इस बात को भी ध्यान रखना, तो एडजस्टेड परचेज क्या होता है वो भी देख लेंगे। सैलरी डायरेक्टर फीस अदर एक्सपेंस का पार्ट होता है, डायरेक्टर फीस जो है अदर एक्सपेंस का पार्ट होता है। रेंट डेप्रिसिएशन बेड डेट्स आपको गिवन है, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, एक्रूड का मतलब अभी मिला नहीं तो अदर करंट एसेट्स का पार्ट है ये। इन्वेस्टमेंट आपने इतने शेयर में इतने का किया, इन्वेस्टमेंट शेयर्स में किया है तो ये नॉन, आप दो जगह लिख सकते हो, जब कुछ ना बोला हो तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में डाल दो आप। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पता है कहां जाएगा, लूज टूल्स किसका पार्ट है ये, इन्वेंट्री का पार्ट है। तो देखो इसमें काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। एडवांस टैक्स हम पहले ही कर चुके हैं, सन्ड्री एक्सपेंस पता है कि अदर एक्सपेंस में डेटर बैंक, ठीक है। सेल्स आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको पहले से पता है कि अदर करंट लाइबिलिटी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व प्रॉफिट, ये यहाँ पे ये प्रोविजन भी आ गया। तो इस प्रोविजन को करने के दो तरीके हैं, या तो मैं क्या करूँ एसेट्स में से माइनस कर दूँ, या फिर मैं क्या करूँ लाइबिलिटी में शो कर दूँ, दोनों बताए थे। डिबेंचर दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्रूड नॉट अनक्लेम डिविडेंड, सारी बातें, यानी इसमें खूब सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि पुराने क्वेश्चन के कंपेरिजनली नए पॉइंट्स हैं। कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर एंडेड 31 मार्च एंड बैलेंस शीट एट द डेट आफ्टर द टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्लोजिंग स्टॉक दे दिया इसने, ठीक है सर। कहता है क्लोजिंग स्टॉक मोर देन ओपनिंग स्टॉक 30,000, देख रहे हो एग्जामिनर क्या कह रहा है कि ओपनिंग से 30,000 ज्यादा है, ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। ओपनिंग कितने का है सर, ओपनिंग का देखो आपका, और आप देखो यहाँ पे कहता है क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन 30,000 ज्यादा है, और यहीं पे देखो आपका ये क्या दे रखा है, यानी सर अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक यहां दे दिया जाता है तो आप समझ लो कि आपका ये ट्रेडिंग में नहीं, मतलब कि कहां पे जाएगा मैं अभी बताऊंगा, इस पर चर्चा कर लूंगा, डिस्कस कर लूंगा, ठीक है ना, अभी बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी है, बहुत बढ़िया। मेक इनकम टैक्स बहुत बढ़िया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इंक्लूड 8,000 रुपए बिल्डिंग, ये भी अच्छा पॉइंट है। डायरेक्टर रिकमेंडेशन डिविडेंड, और रिकमेंडेशन को काट के पेड में कर दूंगा, और ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है ना, मैं दोबारा मिटा देता हूं। तो मैंने मोटा मोटा क्या करा, मैंने आइडिया ले लिया क्वेश्चन का कि भैया करना कैसे है, पढ़ना कैसे है, ठीक है। अब फटाफट से मैं यहाँ पे क्या करूँ, नोट्स टू अकाउंट्स बनाना चालू कर देता हूँ, आप भी बना लीजिएगा फटाफट। सबसे पहले पॉइंट नंबर वन, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। अब जल्दी खत्म होगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा ना, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इसके बाद क्या है सर, फर्स्ट
फर्स्ट शेयर होल्डर, आप भी बनाइए फटाफट फंड। इसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं, ए शेयर कैपिटल, बी रिजर्व एंड सरप्लस। सर और क्या है? सेकंड पॉइंट भी आएगा नॉन, क्या आएगा सेकंड पॉइंट में? नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है ना? सेकंड पॉइंट आ गया नॉन करंट लायबिलिटी। इसके अंदर क्या आएगा? डिबेंचर्स आ जाएगा। इसके अंदर क्या आएगा सर? डिबेंचर, यानी ए पार्ट। लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसके बाद क्या आने वाला है सर? थर्ड पॉइंट आ जाएगा सर। थर्ड पॉइंट क्या होगा हमारा? अरे अभी तो लाइबिलिटी चल रहा है ना भाई साहब। करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी के बाद क्या आएगा इसके अंदर? पॉइंट नंबर ए ट्रेड पेबल। पॉइंट नंबर बी अदर। पॉइंट नंबर सी क्या आएगा? शॉर्ट टर्म। और इधर आ जाएगा टोटल। सर इसके बाद आ जाते हैं हम एसेट्स टू पे। एसेट्स, एसेट्स के अंदर पहला पॉइंट आएगा नॉन करंट एसेट्स। इसके बाद इसके अंदर पॉइंट आ जाएगा फिक्स एसेट्स। इसके अंदर पॉइंट आएगा फिक्स एसेट्स। ये ए पार्ट होगा, है ना? पॉइंट वन एक आएगा पी पी ई। पॉइंट टू है क्या? इंटेंजिबल एसेट्स, कुछ नहीं था तो ये किया जाएगा। इसके बाद हमारा बी पार्ट आ जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है? चलिए इसको और थोड़ा छोटा कर दें। इसके बाद आ जाते हैं हम किस पे? सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? करंट एसेट। और जितने बच्चे आज ज्वाइन हुए हैं उनको स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा भाई, आज वाली क्लास में बेनिफिट नहीं मिलेगा। ए पार्ट क्या है हमारा? इन्वेंटरी। बी पार्ट क्या होगा हमारा? ट्रेड सी पार्ट क्या होगा? कैश एंड कैश। और डी पार्ट क्या होगा हमारा? अदर करंट एसेट्स डालते हैं। चलिए जिसको नहीं दिख रहा अभी दिखा देते हैं। ऊपर बैलेंस शीट एज ऑन एज वगैरह वो सारी चीजें आपने लिखना है जैसे नॉर्मल। हाँ वो ठीक है, नहीं दिख रहा बैलेंस शीट वाले, बस एक ही जगह जाता है। अभी करके दिखाएंगे। देखिए अभी क्वेश्चन आपके सामने, मैं समझ नहीं पाया आपने क्या पूछा था। चलिए पी एंड एल बना ले अगले पेज पे। पी एंड एल बना लेते हैं। पी एंड एल बोले तो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस।
नोट अमाउंट, पहला पॉइंट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा पॉइंट अदर इनकम, तीसरा पॉइंट टोटल इनकम, चौथा पॉइंट एक्सपेंस। अब इसके अंदर कुछ पार्ट्स आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, ए पॉइंट परचेज, बी पॉइंट चेंज इन इन्वेंट्री, सी पॉइंट एम्प्लॉय बेनिफिट, डी पॉइंट फाइनेंस कॉस्ट, ई पॉइंट डेप्रिसिएशन, एफ पॉइंट अदर एक्सपेंस, और ये आ जाएगा पांचवा पॉइंट टोटल एक्सपेंस। ठीक है, टोटल एक्सपेंस के बाद अब हम क्या करेंगे, छठा पॉइंट आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस करेंगे हम टैक्स, और ये सातवां पॉइंट होगा, और फिर आठवां आ जाएगा फाइनली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बस फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, और आप देखोगे कि फॉर्मेट अगर बना लेते हैं ना हम पहले, तो काम हमारा सिर्फ फिल करना रह जाता है अंदर, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का। चलिए एक पेज पे और जाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन काफी लेंदी है। हमारा क्वेश्चन आपके सामने, चलिए सर एक एक करके पॉइंट पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है बिल्डिंग। सर बिल्डिंग किसका है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट का एक नोट बना लेते हैं सर, नोट, और यहां बना लिया पीपीई बिल्डिंग। कितने रुपए का बिल्डिंग है बताओ, 10 ईयर सभी के मार्केट में नियर बाय शॉप पे अवेलेबल है, आप जाके ले सकते हैं। कितने, 290। बिल्डिंग के बाद देखते हैं और क्या है, बिल्डिंग के बाद मशीनरी 1 लाख रुपए का, तो ये भी इसी का पार्ट है, और तो थोड़ा नीचे लिखेंगे क्योंकि यहां डेप्रिसिएशन है। कितने का, 1 लाख का इस, अरे आगे आगे, इसके बाद देखते हैं क्या है, एडजस्टेड परचेज। देखो एडजस्टेड परचेज क्या होता है, जिसके अंदर हमारा परचेज रिटर्न और ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक माइनस प्लस होता है, यानी एडजस्टेड परचेज की बात करें ना, तो ये होता है हमारा परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और परचेज रिटर्न वगैरह माइनस होता है। इसको ना मैं अलग से डिस्कशन में ले लूंगा, ठीक है, अभी कंफ्यूज मत हो। एडजस्टेड परचेज को फिलहाल के लिए आपको परचेज मानना है। कितने का है एडजस्टेड परचेज, 210 का। क्लोजिंग स्टॉक रह गया ना, तो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट का ही पार्ट होता है, इन्वेंट्री में चला जाएगा कितना, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक के अंदर और भी पार्ट ऐड होगा, इसलिए इसका नोट बनाना पड़ेगा हमें, क्लोजिंग स्टॉक का। यहां नोट बना लेते हैं, इसमें बहुत सारे नोट बनने वाले हैं। इन्वेंट्री सर बताइए क्या है, क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए, अमाउंट बताइए, 90,000। ठीक है, चलिए सर वहां क्यों नहीं लिखा, लूज टूल्स था,
एडजस्टेड परचेज 2-10 का है, तो इसके लिए कोई नोट नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं 2-10। ठीक है, इसके बाद क्या गिवन है, सैलरी। सैलरी किसका पार्ट होता है, एम्प्लॉय बेनिफिट। सैलरी किसका पार्ट होता है, 10 ईयर में कुछ और दे रखा है। बच्चे कह रहे हैं सर मेरे पास 169 आया है, अदर एक्सपेंस का तुम्हारा क्या, अभी कर लेते हैं, चेक कर लेना ना, और क्यों अलग दे रखा है और क्या इसके दूसरा ऑप्शन है वो भी मैं बता दूंगा, तो मैच हो जाएगा आपका। ठीक है, जो बच्चे कह रहे हैं सर हमने किया है लेकिन कुछ और दे रखा है और तुम्हारा क्या है, तो अभी मैच हो जाएगा, मैं बताता जाऊंगा, इसलिए तो मैं कर रहा हूँ मेहनत, इसलिए तो आपके लिए तो कर रहा हूँ मैं। सैलरी एम्प्लॉय बेनिफिट का नोट बन जाएगा एक, लेकिन सर एम्प्लॉय बेनिफिट का नोट बनाने का तभी फायदा है जब हमारा एक और पार्ट हो, तो यहाँ पे सिर्फ सैलरी है, वेजेस वगैरह तो दिख नहीं रहा, ठीक है ना, और क्या यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी वैलरी कुछ कह रहा है, नहीं कह रहा, तो इसका नोट बनाने का कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट हम लिख देंगे यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट में 60,000 रुपए। चलिए सर, सैलरी के बाद कहता है आपका डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर फीस अदर एक्सपेंस होता है, देखिए दो फीस होते हैं, अब इसे ना आप डायरेक्टर का जो होता है ना सैलरी भी होता है और फीस भी होता है। फीस क्या होता है, जैसे अब होता क्या है एक्चुअल में, जैसे डायरेक्टर किसी भी कंपनी के अंदर अगर अपॉइंट होता है तो उसे हम हर महीने की एक मंथली सैलरी देते हैं। अब जब बोर्ड मीटिंग होता है ना, तो डायरेक्टर को हम जब ऑफिस आवर खत्म हो जाता है उसके बाद बुलाते हैं कि भैया बोर्ड मीटिंग है आज रुकना है आपको, तो जो डायरेक्टर एक्स्ट्रा टाइम के लिए रुकता है उस बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है, उसके बदले हम उसे एक्स्ट्रा पैसा देते हैं और वो पैसा इंस्टेंट मिल जाता है उनको, ऐसा नहीं कि बाद में मिलेगा, तो वो सैलरी के अलावा मिलता है, तो यह है डायरेक्टर फीस। तो एम्प्लॉय बेनिफिट के पार्ट ना मान के हम इसे अदर एक्सपेंस के अंदर इंक्लूड कर देंगे, ठीक है ना, किसका मान लेंगे हम, अदर एक्सपेंस में। तो एक बढ़िया सा नोट बना लेते हैं अदर एक्सपेंस का, यही बनाते हैं। नोट अदर एक्सपेंस, ठीक है, क्या लिखना है हमें, डायरेक्टर कितने का था, 10,000। इसके बाद क्या दे रखा है, इसके बाद दे रखा है रेंट। रेंट भी अदर एक्सपेंस का 26,000 है और यहां पे कोई भी रेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं है, 26,000 रुपए रेंट, रेंट 26,000। इसके बाद क्या दे रखा है सर, रेंट के बाद देखें डेप्रिसिएशन। ओके सर, इधर भी डेप्रिसिएशन, इधर भी डेप्रिसिएशन, दो दो डेप्रिसिएशन स्टार बना लो, ठीक है स्टार बना लिया। इसमें बैड डेट्स, बैड डेट्स हमारा कहां जाता है अदर एक्सपेंस में, कितने का है, 6,000। बैड डेट्स के बाद और क्या दे रखा है अदर एक्सपेंस का, कुछ लंबा ही जा रहा है, चलो आगे तक जगह छोड़ेंगे इसके लिए। बैड एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एक्रूड जब शब्द लग जाता है ना तो इसका मतलब होता है मिलना बाकी है, जब एक्रूड शब्द लग गया तो मिलना बाकी है, तो ये अदर करंट एसेट्स का पार्ट होता है, किसका पार्ट होगा हमारा, अदर करंट एसेट्स। अब अदर करंट एसेट्स में हम क्या और भी कुछ है यहाँ पे, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्रूड बट नॉट ड्यू, ये तो डिबेंचर की पेमेंट की कह रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक ये भी दे रखा है हमें, अनक्लेम डिविडेंट और एक्सेट्रा, तो हम डाल देते हैं अभी, अगर होगा तो नोट की जरूरत पड़ेगा तो डाल देंगे। 2,000 रुपए एक्रूड है, तो बड़ी सीधी सी बात है हम डायरेक्ट लिख देते हैं अदर करेंट एसेट्स 2,000। शायद ना यहाँ पे मुझे एक नोट और बनाना पड़ेगा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस का, जो बनाया नहीं है बना लेंगे, एडजस्टमेंट मार लेंगे बाद में, बना ही देते हैं, इसके पहले आएगा। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन बड़ा है, अब जो बच्चे करके आए होंगे उनको पता लग रहा होगा, हाँ सर कंफ्यूजन है। डी पार्ट दे देते हैं हम और इसको एफ दे देते हैं, ठीक है यहां डाल दिया। चलिए
अब कहता है इन्वेस्टमेंट किया है आपने इतने रुपए का, तो ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, इसके लिए और कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं हमारे पास, डेट्स वाई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं सर 1,20,000। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट दिया है तो फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है ये, तो फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। तो चलिए अब फाइनेंस कॉस्ट का ना नोट बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, मेरे हिसाब से फाइनेंस कॉस्ट का नोट नहीं बनाना चाहिए। क्यों नहीं बना, चलो बना देते हैं, फिर बाद में आप बोलोगे सर क्यों नहीं बनाया, बाद में जब बनेगा ना तो देखना इसमें कुछ आएगा नहीं, यहां लिख देते हैं नोट। कितने का है इंटरेस्ट? 28,000। चलिए जी 28,000। इसके बाद हम आगे चले, लूज टूल सर इन्वेंट्री का पार्ट है 23,000 रुपए, तो लूज टूल्स इन्वेंट्री का पार्ट है 23,000, तो मैंने इन्वेंट्री का बना रखा है तो लूज टूल्स 23,000। लूज टूल्स और एक और बताया था स्पेयर पार्ट, ये दोनों किसके पार्ट होते हैं हमारे इन्वेंट्री का, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट एडवांस टैक्स, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस में 60,000 रुपए डाल देते हैं, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस में 60,000 रुपए डाल देते हैं। ये रहा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस 60,000, आंसर आपको दे रखा है, आपने कर रखा है, मैं ज्यादा डिटेल नहीं समझा रहा है। सन्ड्री एक्सपेंस 18,000 रुपए, ठीक है सर, अदर सन्ड्री एक्सपेंस 18,000। चलिए अरे मैं बार बार आगे जा रहा हूं। डेटर 1/25, इस पे एडजस्टमेंट है तो नोट बना लेते हैं, डेटर 1/25, तो एक और नोट बनाया जाएगा, नोट किसका बनाया जाएगा, ट्रेड और क्या दे रखा है डेटर, कितने का डेटर 1,25,000, ठीक है। चलिए सर डेटर के बाद बैंक दे रखा है तो डिविडेंड पेड करेंगे, तो एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का भी नोट बना लिया जाए, एक बना लेते हैं नोट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और बैंक, कितने रुपए का बैंक है 30,000 का, ठीक है ना। चलिए सर इसके बाद दे रखा है सेल्स, 5,20,000 का सेल्स, टिक करते जाएंगे हम तब करेंगे ना, सेल्स 5,20,000, तो ये आगे 5,20, कोई इसके साथ कुछ है नहीं। इसके बाद दे रखा है सैलरी आउटस्टैंडिंग, अब बच्चा यहां पे कंफ्यूज होगा, मैंने आपको लिखवाया था एडजस्टमेंट में सैलरी आउटस्टैंडिंग अगर गिवन हो ट्रायल बैलेंस में तो कहां जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक जगह जाएगा, और एक जगह कहां जाएगा देखो नोट निकाल लो, बताइए भाई कहां जाएगा जितने बच्चे हैं, 1,20,000 अदर करंट लाइबिलिटी में, आगे जवाब अदर करंट लाइबिलिटी, एक्सपेंस में नहीं करंट लाइबिलिटी। अब बच्चा ना आउटस्टैंडिंग देखते ही ना सबसे पहले माइंड में क्लिक करता है आउटस्टैंडिंग है, दो जगह एंट्री, एक अदर एक्सपेंस में एम्प्लॉय बेनिफिट में एड, और वहां तो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ये भी नहीं भूलना चाहिए हमें, है ना। तो सिर्फ कहां जाएगा ये अदर करंट लाइबिलिटी में, तो इसका एक नोट बना लेते हैं अदर करंट लाइबिलिटी का, अदर करंट लाइबिलिटी का। चलो जगह खत्म और आगे चल पड़े हम, चलिए नोट अदर करंट लाइबिलिटी क्या था हमारा, कितने रुपए का 2,000। अब आ जाते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये अदर इनकम का पार्ट होता है, हमेशा याद रखना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स किसका पार्ट होगा, अदर इनकम का। अब अदर इनकम का पार्ट हमने पहले से ही है, अब यहां पे अदर इनकम दो है, एक तो ये है
और एक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारा इनकम का ही पार्ट है। तो दो बातें आ गई, तो इसका नोट बन जाएगा अदर इनकम का, अदर इनकम का नोट बनेगा, इसमें नोट ज्यादा बन गए ना, अदर इनकम। इसके अंदर क्या आ रहा था हमारा, प्रोविजन फॉर डेटर, अमाउंट क्या है 3,000। 1, 2, अब आ जाते हैं क्या दे रखा है सर। इसके बाद दे रखा है शेयर कैपिटल। अब इसमें ऑथराइज कैपिटल ऊपर कह रहा है, तो इसका भी एक नोट बन जाएगा सर, शेयर कैपिटल का, शेयर कैपिटल का भी नोट बन जाएगा। चलिए सर, शेयर कैपिटल नोट, शेयर कैपिटल यहां पे सबसे पहले लिखेंगे ऑथराइज कैपिटल, और ऑथराइज कैपिटल सबसे ऊपर था, इसके बाद आ जाएगा इशूड एंड सब्सक्राइब। शेयर कैपिटल बताइए कितने का था, बस गलत बता रहे हो, 28, 5 लाख, इतना कम। जी हाँ, 2 लाख है ऑथराइज, 5 लाख 100 रुपए वाला, ठीक है ना। तो 2 लाख और 5 लाख है, 2 लाख और 5 लाख। चलिए सर, ऑथराइज कैपिटल के ब्रैकेट में लिख दोगे 50,000 इंटू में 100, नहीं 5,000 इंटू में 100, 5,000 इंटू में 100, 5,000 इंटू में 100, दैट इज आपका आ गया 5 लाख। और इस 5 लाख की कोई वैल्यू नहीं है, बस टोटलिंग में आता है। अब टोटलिंग जो होगी वो 2 लाख ही जाना है फाइनली, ठीक है सर। अब आ जाते हैं किस पे हम सर, जनरल रिजर्व, ये किसका पार्ट है, रिजर्व एंड सरप्लस, नोट बनेगा, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बन जाता है यहाँ, नोट, रिजर्व एंड सरप्लस यहां लिखते हैं, जनरल रिजर्व कितने का है 40,000। इसके बाद दे रखा है हमें सरप्लस दे रखा है, यानी प्रॉफिट दे रखा है 25,000 ओल्ड वाला। तो ओल्ड वाला जो प्रॉफिट है वो कितना आएगा, यहां दे देते हैं लास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर कितने का था 25,000, अंदर लिखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं क्या गिवन है हमें, इसके बाद गिवन है हमें क्रेडिटर। अब क्रेडिटर के साथ बिल्स पेबल है या नहीं ये चेक करेंगे सर, नहीं है बिल्स पेबल कहीं भी, तो क्रेडिटर अकेला ही आ जाएगा यहाँ पे, कहाँ ट्रेड पेबल में, कितने रुपए का है 92,000, समझ में आ रहा है बात। अब आ गया ये बात मुद्दे की, प्रोविजन और डेप्रिसिएशन, इस पे स्टार बना रहने दो। डिबेंचर, डिबेंचर अकेला है और कुछ नहीं है, तो यहां पे लिख देंगे 14% डिबेंचर है भाई साहब ये, और कितने का है 2 लाख का। इसके एडजस्टमेंट वगैरह तो देखेंगे अभी, ठीक है। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिबेंचर ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू कहता है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्रूड बट नॉट ड्यू, मतलब अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की बात करते हैं। देखो हालांकि क्वेश्चन में कह दिया है, बाकी आप डिबेंचर पे अगर इंटरेस्ट निकालते भी ना, तो 2 लाख रुपए कितना था हमारा, डिबेंचर कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, 2 लाख पे 14% कितना बनता है 28,000। और पहले से ही आप इंटरेस्ट पेड कर चुके हो, कहाँ पेड किया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड है या नहीं है 28। अब ये कहता है भैया अब 28 बन रहा था, 28 पेड कर दिया, तो ये क्या है भला। तो कहता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्रूड बट नॉट ड्यू, एक्रूड मतलब देना है लेकिन अभी थोड़े टाइम बाद, इसका मतलब सर ये हो गया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कोई और भी इन्वेस्टमेंट में तो नहीं कर रखा डिबेंचर, देख लो आप। क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में ये बन गया हमारा आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब ठीक है ना। तो सर आउटस्टैंडिंग कैसे बना, 28 28 चल रहा होगा कोई पुराना हिसाब किताब ऐसे ही कुछ, नहीं इसमें 28 में इंक्लूड नहीं है, अगर 28 में इंक्लूड होता तो क्यों लिखता है दोनों साइड वो। इसका मतलब ये जाएगा अब लाइबिलिटी में, और वो भी कौन से, अदर करंट लाइबिलिटी में। तो चलिए अदर करंट लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट,
एक्रूड शब्द लगा दिया ना वो, तो एक्रूड का मतलब भी आउटस्टैंडिंग होता है। सर अदर करंट लाइबिलिटी कहाँ है? बनाया तो था मैंने, ये रहा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितने रुपए हैं? 14,000। चलिए बच्चों का हाल चाल देख रहे हैं। अदर करंट, अदर 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 करंट लाइबिलिटी, ठीक है सभी सही ठीक ठाक जवाब दे रहे हैं अभी। चलिए अगले पॉइंट पे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है, ये मिल चुका है, और इधर ये मिलना बाकी था। मिलना अगर बाकी था वो तो अदर करंट एसेट्स में चले गया, ये मिल चुका है तो इनकम है सर। तो इनकम है हमारा इन्वेस्टमेंट पे, तो सीधी सी बात है ये कहाँ आएगा? अदर इनकम का पार्ट माना जाएगा। तो अदर इनकम के लिए हमने बनाया था, और ये रहा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितने रुपए? तो 12,000 रुपए, ठीक है। और कई बार जैसे आप कंफ्यूज हो जाना तो दिमाग में डेबिट क्रेडिट भी आपने सोचना है कि यार वहां पे कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो अगर ये फाइनेंस कॉस्ट मानते हो तो डेबिट होना चाहिए क्योंकि खर्चा है, लेकिन वहां कहां दे रहा है? वो क्रेडिट में दे रहा है, तो इसका मतलब ये खर्चा तो है नहीं, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इनकम भी हो नहीं सकता, तो ये क्या माना जाएगा? लाइबिलिटी माना जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत जैसे एग्जाम के अंदर ना आप इस तरीके से सोच के कई सवाल ऐसे फंस जाते हैं, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए सर, अनक्लेम डिविडेंड कौन बताएगा? ये मैंने बता रखा है, अनक्लेम डिविडेंड किसका पार्ट है बताओ? शेयर कैपिटल में जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, या कहीं और जाएगा? अनक्लेम डिविडेंड कौन बताएगा? स्पेशली हाईलाइट किया था भैया, एग्जामिनर पूछता है ये। अनक्लेम डिविडेंड कौन बच्चा बताएगा? अदर करंट लाइबिलिटी, बिल्कुल सही जवाब बच्चों ने दे दिया, अदर करंट लाइबिलिटी। तो ये चीजें ध्यान रखना है, बच्चा डिविडेंड देखेगा दौड़ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में, या दौड़ जाएगा शेयर कैपिटल में, तो गलत हो जाएगा भाई। अदर करंट लाइबिलिटी, देखा कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अभी यहां पे ना आपको चांस मिलता है गलत भी बोलने का, एग्जाम में नहीं मिलेगा, इसलिए आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए। बताइए क्या अमाउंट है? 5,000 रुपया। चलिए ये सारा डन हो चुका है, अब डेप्रिसिएशन पे स्टार लगा रखा है, लगा रहने दीजिए 5 मिनट, अभी सॉल्व हो जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट सोन सोन, बहुत देखते हैं। अब देखो कहता है क्लोजिंग स्टॉक जो है मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओपनिंग स्टॉक से कितना ज्यादा है? 30,000 ज्यादा है। यही पढ़ लेते हैं, ध्यान देना मेरे सवाल का जवाब देना। ध्यान देना, ओपनिंग स्टॉक कितना लिखा मैंने? 6,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखा? 8,000। और मेरा यहां पे क्या आया? 2,000 किस में आया? माइनस में। क्या मैं बोल सकता हूं मेरा क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 2,000 ज्यादा है? मेरे वर्ड वर्ड को सुनना, क्या मैं बोल सकता हूं मेरा क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 2,000 ज्यादा है? बोला जा सकता है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक वट एवर जो भी रहा उससे ज्यादा 2,000 है। तो अगर मैं बोलता हूं कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 2,000 ज्यादा है, तो आंसर किस में आ रहा है? माइनस में। और इसी को हम चेंज इन इन्वेंट्री भी बोलते हैं। सोचो चेंज इन इन्वेंट्री क्या होता है? ओपनिंग माइनस में क्लोजिंग। तो जो ये दे रहा है ना आपको, ये चेंज इन इन्वेंट्री दे रहा है, ये आपको चेंज इन स्टॉक दे रहा है डायरेक्टली। समझ रहे हो बात को? ये क्या दे रहा है आपको? चेंज इन स्टॉक। अब यहां से अंदाजा लगाया जाए चेंज इन स्टॉक कितना है? 30। और 30,000 रुपीज क्या है हमारा? ज्यादा। तो ये जो 30 अब ओपनिंग स्टॉक मान लो, ओपनिंग स्टॉक आ गया और क्लोजिंग भी आ गया एक तरीके से अगर ये बोला है, तो ये कहां चला जाएगा हमारा? सर ये चला जाएगा चेंज इन इन्वेंट्री में, जो कि हम लिखते हैं P&L के अंदर, और आएगा कितना? 30,000 रुपए। चेंज इन इन्वेंट्री में 30,000। समझ लीजिए इस बात को पहले, क्या समझ में आया ये बात आपको? हां जी,
दोबारा एक देख लो और एक और एग्जांपल मैंने लिखा यहां, सोच के बताना। मैंने लिखा ओपनिंग स्टॉक है जी 5,000 और क्लोजिंग स्टॉक है जी 6,000। मुझे बताओ मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना ज्यादा है ओपनिंग से? 1,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना ज्यादा है ओपनिंग से? 1,000। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग से 1,000 ज्यादा है तो मुझे चेंज इन स्टॉक बताना जरा कितना होगा। तो माइनस करोगे इसमें से तो 1,000 माइनस का, तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा क्लोजिंग, जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है मोर देन 1,000 है। और जब मैं बोलू कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक मोर देन 1,000 है तो माइनस वाला अमाउंट बता रहा हूं, है ना। तो सेम कहानी तो यहां पे भी था, यही कह रहा है। देखो क्लोजिंग स्टॉक मोर देन ओपनिंग बाय 30,000, इसका मतलब माइनस वाला बता रहा है ये चेंज इन इन्वेंट्री। तो वही चेंज इन इन्वेंट्री मैंने क्या करा यहां पे पुट कर दिया, ये रहा, ठीक है ना, क्लियर। चलिए सर अगले एडजस्टमेंट पे चलते हैं। ये एडजस्टमेंट डन जी, डन डन डन। अगला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4% ऑन डेटर। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ट्रेड रिसीवेबल में 4% डेटर और अदर एक्सपेंस में चला जाएगा, क्योंकि प्रोविजन जो ट्रायल में होता है अदर इनकम में जाता है, एडजस्टमेंट में होता है कहां चला जाता है? अदर एक्सपेंस में। जो एडजस्टमेंट में होता है वो कहां चला जाता है? अदर एक्सपेंस में। याद होना चाहिए आपको, अगर आप अभी भी सोचोगे ना कि अभी कर लें क्योंकि चैप्टर फिनिश होने पे है, तो फिर कोई फायदा नहीं भाई साहब, कोई फायदा नहीं। सर 30,000 माइनस में ही होगा? हाँ माइनस में होगा, मैंने यहाँ माइनस नहीं लगाया, बिल्कुल माइनस में होगा। एक बच्चे ने बोला सर 30,000 तो माइनस में होगा। जी हाँ आपके बिल्कुल सही क्वेश्चन है। चलिए सर आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। मेक प्रोविजन, प्रोविजन बना लीजिए डेटर पे कितने परसेंट? 4%। तो डेटर के ऊपर माइनस में पीएफडी प्रोविजन 4%, कितना आ रहा है? 125,000 पे 4% मात्र 5,000। दूसरा कहां चला जाएगा अदर एक्सपेंस में? तो प्रोविजन ऑन डेटर, मैंने इसके लिए जगह छोड़ा था, आगे कंटिन्यू लेके जा रहा हूं, ठीक है, दैट इज 5,000। क्लियर, चलो जी ये भी हो गया डन। एडजस्टमेंट में जान नहीं है, ये भी हो गया लोड डन, नहीं ये तो बाद में होगा। डेप्रीशिएशन एक्सपेंस इंक्लूड, डेप्रीशिएशन एक्सपेंस जो भी था उसके अंदर इंक्लूड है 8,000 रुपए, बिल्डिंग एंड 12,000 मशीनरी। कहने का मतलब है भाई साहब जो ये डेप्रीशिएशन दिख रहा है, इस डेप्रीशिएशन की मैं बातें बता दूं, इसके अंदर 8,000 रुपए किस पे है और 12,000 किस पे है? मशीनरी। बड़ी सीधी सी बात है। अब ये डेप्रीशिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर है या ट्रायल बैलेंस के बाहर है? अंदर है, बाहर तो बताया डिटेल। अगर मैं यहां 20,000 लिख रहा हूं, बाहर बोल रहा हूं 20,000 10 जमा 10 है, तो इसका मतलब एडजस्टमेंट थोड़ी ना हो गया। वो एडजस्टमेंट मतलब अंदर था ही नहीं, तो इसका मतलब ये डेप्रिसिएशन कहां है ट्रायल बैलेंस के? बताओ अंदर है। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है ये, तो इसका मतलब इसकी कितनी एंट्री होगी, कहां जाएगा बताओ? मशीनरी में से माइनस करें या फिर बिल्डिंग में से माइनस करें या फिर डेप्रिसिएशन में दिखाएं? आपके पास एडजस्टमेंट है, खोल लीजिए एडजस्टमेंट। सर प्रोविजन 6,250 आएगा, बच्चा बोल रहा है प्रोविजन 6,250 आएगा, कैसे आएगा भाई 6,250? 4% है ना, और डेटर कितना है? 125 भाई, 125 पे 4% तो यही होता है शायद, मेरे ख्याल पुराना नया जोड़ के बोल रहा होगा वो, पता नहीं भाई आप कैसे बता रहे 6,250 कहाँ जाएगा। देखो ऋषिता ने कहा है सर एसेट्स में आएगा, एमडी ने कहा है डेप में आएगा, इमरान ने कहा है डेप में आएगा, लक्ष्मी ने कहा है डेप में आएगा, ऋषिता ने कहा है माइनस होगा। तो भाई आप नोट्स निकालिए, ईमानदारी से नोट किया है तो रजिस्टर में कहाँ जाएगा बताओ? लिखा है ट्रायल में होगा तो कहाँ जाएगा? मैंने ना पता है जो नोट 10-12 भले ही बनाए, मैंने कम बनाए, और भी नोट मैं बना के डालूंगा, लेकिन उसके अंदर मैंने सब कुछ डाल दिया है कि एग्जाम में क्वेश्चन ना रुके। अगर आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएंगे, तो जरूर एक बार नोट को पलट के देखिए और वहां आपको इसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कहाँ जाएगा ये? डेप्रिसिएशन में, एसेट से माइनस नहीं होगा। तो कितना डेप्रिसिएशन है सर? 20,000 रुपए सर, 20,000 डेप्रिसिएशन है, 20,000। चलिए सर 20,000 रुपए लिख दिया, टिक टिक,
एक समस्या खत्म यहां का डेप्रिसिएशन का, यहां का डेप्रिसिएशन। अब ये जो प्रोविजन है ये कहां पे है बताओ? ट्रायल बैलेंस में। हाँ, ट्रायल बैलेंस में जब होता है तब का भी ट्रीटमेंट बताया। देखो नोट खोल के बताओ मुझे, कौन बताएगा क्या करें? इसके दो बताए थे ट्रीटमेंट, या तो आप एसेट्स में से माइनस कर दीजिए या नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन में दिखा दीजिए। तो मुझे ज्यादा सुटेबल लग रहा है एसेट्स में से माइनस करना, तो मैं एसेट्स में से माइनस कर देता। तो मैंने टिक भी करवाया था कि वहां एसेट्स में से माइनस करिएगा। तो बच्चा कह रहा है अदर इनकम में डाल दो सर। एसेट्स में से माइनस करेंगे, एसेट्स में से दो हैं। अब कई बच्चों का आंसर डिफरेंशिएट पता है क्या हो रहा है? लाइबिलिटी में डालूंगा तो ऑब्वियस से बैलेंस शीट का टोटल अलग आएगा 10 ईयर के अंदर। हर बार जब सॉल्यूशन करने बैठते हैं ना तो जो मन में आता है हम फटाफट कर देते हैं, लेकिन जब वीडियो क्लासेस ले रहे हो, क्लास ले रहे हो, तो मैं तो दोनों एस्पेक्ट बताऊंगा ना आपको, ताकि अगर आपका आंसर वहां दे रखा हो तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। अदर करंट लाइबिलिटी में दिखा दीजिए या फिर वहां मत दिखाइए तो एसेट्स में से माइनस कर दीजिए। आंसर फर्क दोनों में आएगा लेकिन 100% ठीक माना जाएगा। तो सर मैं एसेट्स में माइनस करना ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा क्योंकि मेरे को आसान लग रहा है वो काम। करंट लाइबिलिटी में मैंने बनाया ही नहीं पार्ट, अगर बना देता ना तो यही कर देता। तो चलो एसेट्स बना दिया था तो माइनस कर देते हैं पीएफडी और माइनस कर देते हैं पीएफडी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, यहां भी पीएफडी लिख देता हूं मैं, लेकिन ये थोड़ा सा बस आप ध्यान रखिएगा, मैं यहां का मतलब यहां, यहां का मतलब यहां। बताइए कितने का है? 50,000 बिल्डिंग से। लेकिन फिर भी जब मैं पेन चला रहा हूं ना तो बच्चों का मन करेगा सर एक बिल्डिंग और भी तो था पीछे, 12,000 और 18,000 कितने था, 8,000 और 12,000, वो भी माइनस कर दे के? नहीं भाई, उसकी एक एंट्री होनी थी, हो चुकी, दोबारा मत कर देना यार, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर परेशान रहोगे पूरे टाइम। ठीक है, मैंने हर किसी को हर किसी के हिसाब से ट्रीटमेंट बताया, तो मेरे हिसाब से अब इसके अंदर कुछ भी नहीं बताया जो मुझे बताना हो, ये बिल्कुल डन हो चुका है, क्लीन, एकदम क्लीन। ठीक है, एडजस्टमेंट भी चलते जाते हैं सर। डेप्रिसिएशन ये सर बेवकूफ बना रहा था बस हमें। डायरेक्टर रिकमेंडेशन को हम खत्म करके हम कर देते हैं डायरेक्टर पेड 25% डिविडेंड। तो 2,00,000 रुपए का शेयर था, 25% कितना हो जाएगा 50,000, दो जगह एंट्री जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस और एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो 2,00,000 का 25%। अब देखना उसके अंदर मैंने रिकमेंडेशन करा है पेड किया एक बार नए वाले 10 ईयर में, मैंने वैसे पेड करवा दिया होगा। द डायरेक्टर रिकमेंडेड पेड 25%, इट प्रज्यूम द डायरेक्टर, अच्छा यहाँ पे ये बोल दिया, चलो रिकमेंडेशन है रिकमेंडेशन ही रहने दो। मैं अजम्पशन मैंने 10 ईयर में नहीं लिया तो नहीं लिया। अब हम क्या करते हैं इसका ट्रीटमेंट ही बता देते हैं और आसान है। जब क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाए रिकमेंडेशन तो आप तो काट नहीं सकते, जब रिकमेंडेशन है तो इसका मतलब इसकी कोई काम नहीं है, बताया था ठीक है। लेकिन इसको ना एक जगह नोट में डालना पड़ेगा कि इन केस ऑफ प्रपोज डिविडेंट या डायरेक्टर रिकमेंडेशन डिविडेंट नॉट अप्रूव्ड, हम तो ये मान रहे हैं रिकमेंडेशन है, अगर आप मान लेते हो अप्रूव्ड है तब तो पैसे दोगे, अगर मान लेते हो नॉट अप्रूव्ड है तो पैसे नहीं दोगे। तो हम एक नोट लिखेंगे बैलेंस शीट के नीचे। सर बैलेंस शीट के नीचे? जी हाँ, ये हमारा बैलेंस शीट है। इसे जो बैलेंस शीट के नीचे जो मैं लिखना जा रहा हूं ना, इसको पता है क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है कंटिंजेंट लाइबिलिटी। थोड़ा ऊपर कर देते हैं, नाम सुना होगा। तो एज पर AS4 प्रपोज डिविडेंड is treated as contingent liability। मैंने लिख दिया है यहां पे ओरली, मैंने बोल भी दिया कि as per AS4 accounting standard 4 के हिसाब से इसे contingent liability treat किया जाएगा। और 10 ईयर के अंदर भी मैंने बाको भी नोट डाला हुआ है, तो आप वहां पे भी देख सकते हैं नोट मैंने क्या डाला है। तो अब दोनों बातें समझ में आ गई यार, आपका रिकमेंडेशन होगा तो क्या लिखना है और पेड होगा तो कैसे करना है, दोनों बातें चल गई पता। सर कॉर्पोरेट अकाउंट की क्लास है, सर ये कॉर्पोरेट अकाउंट की क्लास है, बिल्कुल मुकुल ये तो कॉर्पोरेट की ही क्लास चल रही है आज। चलिए अब ये भी हो गया डन, और लास्ट में टैक्स है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कट चुका है, नए 10 ईयर में आपको नहीं देखने को मिलेगा ये, है ना, ये कट गया। तो अब नए वाले का और हमारा आंसर एकदम सेम आएगा क्योंकि कुछ गलती नहीं है, बहुत गंदा लग रहा है इसे हटा दे।
इसको नीट एंड क्लीन कर देते हैं आपके लिए, बाद में आप नोटिंग करते हो ना क्योंकि, तो फिर आपको ये अच्छा नहीं लगेगा। क्या क्या हो गया? हाँ बस कोई बात नहीं, हम दिखा देंगे, हमने वही दिखाना है। मैंने आपको जब प्रोविजन फोर बताया था तो बताया था पिछले साल का इनकम मान लो इस साल ठीक कर लो, या फिर हम नए और पुराने प्रोविजन को एडजस्टमेंट मानते हैं, तो हम एक स्टेट फॉलो करेंगे, अदर इनकम में दिखाएंगे, बात खत्म भाई। आंसर नेट प्रॉफिट ठीक आएगा, बिल्कुल सही होगा, गलत नहीं होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इस वजह से अदर एक्सपेंस का कुछ बच्चों का दिक्कत आ रहा हो। अब चलिए सर, अब टोटलिंग का काम करें फटाफट, कितनी फुर्ती में टोटल करते हैं आप मेरे साथ साथ टोटल करिए, देखते हैं कौन बच्चा कितनी तेजी में टोटल करके मुझे बताता है। सर बताइए टोटल, 50,000 माइनस 1,00,000, 2,00,000, जल्दी जल्दी बताइए, 55,000 माइनस, देखते हैं कौन सबसे तेज है, 9,2,11, इसके बाद इधर टोटल होगा, बताइए भाई, कैलकुलेशन से कैलकुलेशन करिए, इतना समय नहीं लगना। अरे 31 और 5, बताइए 36,200, नहीं गलत आ गया, 65,000, भाई जल्दी जल्दी करो। इसके बाद ये अकेला अकेला, अब देखो मैंने कहा था ना फाइनेंस कॉस्ट अकेला रह जाएगा, तो रह गया अकेला, लेकिन तो इसके लिए नोट हटा दे क्या? नहीं, अब बना दिया तो लगेंगे ना, और 28 बाद में टोटलिंग। यहां पे ट्रेड रिसीवेबल 1,20,000, और ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकेला, ये भी नोट नहीं बनना चाहिए था वैसे। चलिए आगे आ जाते हैं, आगे सर अदर करंट लाइबिलिटी कितना है, 2,000, 14,000 और 5,000, सर 21,000। इसके बाद सर 3,000, 12,000, 15,000, ये तो 2,00,000 ही रहेगा, ये तो बहुत लास्ट में, ये लास्ट में होगा, ठीक है ना। और वैसे ये इतना आसान था, हर बार ना जर्नलिज्म में इतना कूट कूट के काम करवा लेता था, इस बार कुछ माइनस करने को नहीं है, प्लस करने को नहीं है, सीधा टैक्स माइनस करके यहाँ लिख के यहाँ दिखा देंगे, क्योंकि जर्नलिज्म में ट्रांसफर को भी तो नहीं बोला इसने, खामा खाम ने हमने इतना बड़ा बना दिया। अब टोटलिंग कर, याद रखना टोटलिंग कर करके हम लिखते जाएंगे, पहले नोट नंबर डाल लूं मैं नोट नंबर डालू, सर शेयर कैपिटल बनाया है, रिजर्व एंड सरप्लस बनाया है, और अदर करंट लाइबिलिटी बनाया है, 3, शॉर्ट टर्म नहीं बनाते हम, 4, 4, 4, 4, 4 नंबर, ये 4 के बाद, 4 के बाद 5 नंबर, 6 नंबर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 7 नंबर शॉर्ट टर्म नहीं बनाया है, 7, 7, 7, आ जाइए आ गया, 7 के बाद 8 नंबर, अरे 8 नंबर, 8, 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
नंबर, कहानी खत्म। चलिए सर, पीपीई टोटल 240 प्लस 45 285, पीपीई 285, नोट नंबर पीपीई 285, नोट नंबर 4, नोट नंबर 4, ये देखो। इसके बाद इन्वेंट्री 113, इन्वेंट्री 113, 113, नोट नंबर 5, नोट नंबर 5, अदर एक्सपेंस 65,000, अदर एक्सपेंस 65, नोट नंबर 10, फाइनेंस कॉस्ट 28, फाइनेंस कॉस्ट 28, नोट नंबर 9, ट्रेड रिसीवेबल 120,000, नोट नंबर ट्रेड रिसीवेबल 120,000, नोट नंबर 6, नोट नंबर 6, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 30,000, नोट नंबर 7, 30,000, नोट नंबर 7। आ जाइए आगे।
अदर करंट लाइबिलिटी 21,000 रुपए, अदर करंट लाइबिलिटी 21,000 रुपए, नोट नंबर 3, 21,000, नोट नंबर 3 कहां गया, कहां ये रहा, अदर इनकम 15,000, नोट नंबर 8, 15,000 8, शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 2,00,000, ये तो पता ही है हमें, नोट नंबर 1 2,00,000। सर यहां पे ना आप याद रखिएगा, ऑथराइज कैपिटल का कोई वैल्यू नहीं होता, उसको कुछ नहीं करना होता। चलिए इसे और छोटा करके दिखाते हैं एक जगह आपको, ठीक है। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2, 1, 2, रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2 अभी हुआ ही नहीं है, सबसे लास्ट में होगा। और किसी का रह गया कुछ करना, नहीं रह गया, फटाफट टोटल कर देते हैं। सर टोटल करिए, कितने जल्दी कर सकते हैं देखते हैं। 5, 20 और 15, 5,35,000, इसका टोटल कौन करेगा, 2, 10, -30 और +60, 28, 20, 65, सर 35,000 माइनस में 5, 35, सर 182, टू आंसर चेक करिए, 182 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 152 152, एक बार दिखाओ क्या एरर कर दिया सर, नहीं मैच हुआ ऐसे सवाल में, एक सवाल में आपको आधे घंटे दिए जाते हैं, बाकी आपकी इच्छा है आप कितना लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम, ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ अब एडजस्टेड परचेज का रह गया था ना, चलिए, अरे पहले ये वाला पॉइंट समझ में आ गया था, अब एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला सुनिए। इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये होता है हमारा एडजस्टेड परचेज। तो आप ध्यान से देखिए, एडजस्टेड परचेज जो है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओपनिंग माइनस में क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेज, लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन स्टॉक प्लस परचेज लिख सकते हैं ना। मैंने इसी को तोड़ तोड़ के अलग अलग करके लिखा है, इसका मतलब सर जब एडजस्टेड परचेज गिवन होगा तो चेंज इन इन्वेंट्री उसी में ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो गया होगा, क्योंकि एडजस्टेड परचेज है तो उसी के अंदर चेंज इन इन्वेंट्री ऑलरेडी क्या हो चुका होगा, प्लस माइनस हो चुका होगा। तो जो हमारा चेंज इन इन्वेंट्री है ना, अब यहां पे चेंज इन इन्वेंट्री नहीं आएगा, कहां गया। या तो इसको दिखाने के दो तरीके हैं, आप यहां पे इस परचेज को कम करिए या चेंज इन इन्वेंट्री को मत दिखाइए। मैं चेंज इन इन्वेंट्री को नहीं दिखा रहा, पहले आप बताइए चेंज इन इन्वेंट्री क्यों नहीं दिखाया जा रहा, समझ में आया, क्योंकि ऑलरेडी किस में एडजस्ट हो जाता है, एडजस्टेड परचेज में, वो परचेज में, तो यहाँ कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ 30,000 कम कर देंगे, तो 30,000 जब हम कम करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 353 और 30, 83 आ जाएगा ये, और 83 आ जाएगा तो यहाँ से 30,000 कम आ जाएगा, 52 आ जाएगा। हाँ सही किया, माइनस में था ना। अब बताइए समझ में आया, समझ में आया आपको, ठीक है। अब टैक्स रेट कितना था 152 का बताओ, 50% टैक्स रेट, 76,000। जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 76,000। अब ये 76,000 दो जगह जाएगा सर, 276 है दो जगह, एक तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में भी आ जाएगा 76, और सर दूसरा हमारा अदर, आ जाओ भाई आ जाओ, करंट ईयर प्रॉफिट 76,
सर 76 प्लस 25 1,01,000 और प्लस 40,000 41,000। चलिए सर 1,41,000 दो खत्म क्वेश्चन। अब चेक कर लीजिएगा आप किस किस का क्या क्या आ रहा है। सर 1,41,00,000 + 2,00,000 + 92,000 + 21,000 + 76,000 यह आ गया 730। ठीक है 285 12,000 हाँ मैंने ज्यादा ले लिया 12,000 1,13,000 और ये ट्रेड रिसीवेबल 1,20 है 1,20 30,000 60,000 और 20,000 640 कुछ रह गया क्या 90,000 का कुछ छोड़ दिया हमने। बताओ भाई क्या छोड़ दिया यहां 90,000 कह रहे पहली बार मैच हुआ कॉर्पोरेट के सारे से। अरे भाई पहली बार कहां मैच हुआ इसमें बताओ चेक करके बताओ क्या रह गया कुछ। ये कितना 12 है ना अच्छा 1,20 है ये ओके तभी तो मैं कह रहा था 90 85। पहली बार मैच नहीं हुआ हर बार ही मैच होता है आपका देखने का नजरिया अलग है बस। लीजिए जी तो इस सवाल को देखो अगर मैं चाहता तो बोलता भाई कर लो इस सवाल को आप कर भी सकते थे। तो मैंने ये सवाल में कुछ सिखाया थोड़ी आपको बस प्रैक्टिस करवाया। तो अब जितने क्वेश्चन है एक बस दो टॉपिक है वो करवा के इसके बाद देखिए आपको अगर आप खुद मेहनत करके करें ना सॉल्यूशन है तो फटाफट कर सकते हैं। ये सवाल भी आपने करना है 10 और एक करना है 11 एक ये सवाल करना है आपको 11 और जो JR मोंगा बुक के अंदर आपके जो सवाल गिवन है वो भी आप ट्राई कर सकते हैं बेझिझक होगा। और लास्ट ईयर के पेपर में जो सवाल आया था ना अभी वो मैं बोर्ड पे कराऊंगा। तो एक संडे या मंडे जो भी मैं क्लास रखूं और मोस्ट प्रोबेबली मैं संडे ही रख लूंगा या रिकॉर्ड कर लूंगा उसके अकॉर्डिंगली आपको दे दिया जाएगा। ठीक है तो फटाफट से आप सभी का ये क्लास का यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बता दीजिए।